एक आया है चेरी मीठा, मालूम है क्या, इतने अच्छे अच्छे टिकटॉकर है, तेरे को मालूम है इनके बहुत सारे फॉलोअर्स है, तो तू इनकी मजाक उड़ा रहा है। अबे छिछोरे, कान के नीचे बजाऊंगा ना तीन कलर का पसीना निकलेगा, लाल पीला और नीला। भगवान है क्या बे यूट्यूब का, तो तू अपने आप को ये मान रहा है मीठे। हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और अभी दिन के बज रहे हैं 2 और मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। तो बात ऐसा है कि आज मैं ऑफिस आया था सुबह में, और अभी सारा काम खत्म करके अभी हम लोग जा रहे हैं 2 बजे। आज से मेरा ऑफिस स्टार्ट हो चुका है, तो अब रोज आना पड़ेगा ऑफिस। घर आता हूँ, उसके बाद फिर डिटेल में बात करते हैं। ये है बाबलो। तो अब घर निकल रहा हूँ। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? और टिकटॉक यूट्यूब यूट्यूब टिकटॉक टिकटॉक यूट्यूब यूट्यूब टिकटॉक, ये ड्रामा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, और ये और भी ज्यादा बड़ा होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि कैरी ने रोस्ट कर दिया टिकटॉकर्स का। सबसे बड़ी बात है कि अब कैरी मिनाटी को मारने की धमकी दी जा रही है। मैं इस टॉपिक को खत्म करना चाहता था, इस पे वीडियो नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि अब कैरी मिनाटी को भी मारने की धमकी दी जा रही है। वो भी कौन? एजाज खान। बहुत सारे लोग जानते होंगे उसके बारे में, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। वो एक नंबर का ड्रग्स एडिक्टेड है और टुच्चा है, मेरे नजर में तो टुच्चा ही है। वो 2 कौड़ी का इंसान अभी कैरी मिनाटी को मारने की धमकी दे रहा है, जिसकी खुद की कुछ औकात नहीं है, बार बार जेल जाता रहता है वो। और उसने क्या क्या बोला कैरी मिनाटी के बारे में, पर इससे पहले हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता चल गया, आगे आपने देखा कि मेरा ऑफिस खुल चुका है, और अभी मैं ऑफिस से आया, खाना खाने के बाद तुरंत मैं वीडियो बनाने लग गया, क्योंकि मुझसे ये चीज बर्दाश्त ही नहीं हो रही है कि कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। अरे यार, रोस्ट हर किसी का होता है, सबका होता है, इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। पता नहीं पर टिकटॉकर्स को क्या खुजली है, वो उंगली पे उंगली किए जा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को फेम पाना है, ड्रग्स में जेल जाएंगे, ऐसे ऐसे लोग अब यूट्यूबर्स और टिकटॉकर के बीच में आ रहे हैं उंगली करने के लिए। और इस बारे में कैरी मिनाटी ने पहले ही बोल दिया है कि वो वीडियो नहीं बनाएगा इस मैटर में। क्या बोला आप खुद ही देखो। एक आया है चेरी मीठा, मालूम है क्या, वो चेरी मीठे को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि चेरी मीठा का नाम है उसका, उसका पहला नाम था इल्यूमिनाटी उसके चैनल का, लेकिन उसने क्या किया, चेंज किया उसको चेरी मिनाटी किया, लेकिन उसका असली नाम है चेरी मीठा। ये मीठा पहले सुन, तेरे को क्या लगता है ये टिकटॉकर सब है वो अकेले है, वो बेवकूफ है? तेरे को एक आमिर सिद्दीकी जो है उसने तेरे को कुछ बोला, या किसी भी यूट्यूब की कम्युनिटी को बोला, या जो भी बोला, तो तू उसके बारे में तेरे को बोलना चाहिए था ना, कि सारी जितने लोग है टिकटॉकर जो इतनी मेहनत से टिकटॉक बनाते हैं, तू बोलता है कि इन लोग के मुंह ऐसे रहते हैं। अबे तेरा मुंह देखना बे, ये देख, और रोटी जल जाती है ना समोसे में, तंदूर के अंदर रोटी डालो तो जल जाती, तो कैसी हो जाती है, ऐसा तेरा मुंह है। और तेरे बाल ऐसे है कि वो कॉकरोच के जब पर खुल जाते तो कैसा हो जाता है, वैसे तेरे बाल है। और तू लोगों की मजाक उड़ा रहा है, और तू बोलता है कि ये टिकटॉकर जो है ये तेरी जिंदगी की शुरुआत कहां से हुई बे? तूने 07 को टारगेट किया है ना, तूने 07 को टारगेट किया कि सारे टिकटॉकर जिसमें आवेश दरबार है, जिसमें नगमा खान है, अदनान है, जिसमें फैजू है, सद्दू है, सारे अच्छे, फैज है और भी है, मंजुल है, इतने अच्छे अच्छे टिकटॉकर है, तेरे को मालूम है इनके बहुत सारे फॉलोअर्स है, तो तू इनकी मजाक उड़ा रहा है। अबे छिछोरे, कान के नीचे बजाऊंगा ना तीन कलर का पसीना निकलेगा, लाल पीला और नीला। ये लोग असली हीरो लोग है सारे टिकटॉकर जो है ना, यूट्यूबर भी है जो अपनी फैमिली को पाल रहे, लेकिन तू जो है ना, तू क्या बे भगवान है क्या बे यूट्यूब का, तो तू अपने आप को ये मान रहा है मीठे? तू मेरे को मिल, मैं तेरे को ढूंढ रहा हूँ, तू मिलेगा ना मीठा, तेरे को ऐसी पप्पी लूंगा ना बेटा, मैं ऐसा चुम्मा लूंगा ना तेरे को मैं। भाई सुना हूँ तू मीठा भी है, तो ये मीठे तक वीडियो पहुंचा देना कि चेरी मीठा टिकटॉकरों की मेहनत पे और लोगों को क्रिटिसाइज करने वाला तू कौन होता है बे? भाई की छटकेगी ना तेरे गले में अटकेगी, तेरी जबान तेरे सर पे लटकेगी, और तेरी आत्मा ना यूट्यूब के अंदर ही भटकेगी। एजाज खान के धमकी देने के बाद कैरी मिनाटी लाइव आया था, उसके बाद उसने क्या बोला आप खुद ही देख। भाई रिक्वेस्ट है एजाज खान की, गांड मार। नहीं भाई, हमने जो कर दिया हमने कर दिया भाई, हम अब नहीं पढ़ने वाले इन चीजों में दोबारा। जस बेटी कुछ बोल रही है, उनकी बात सुन लो, मैं नहीं देख रहा, मैं कुछ नहीं सुन रहा, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है मुझे, इसमें नहीं रहना है। हाँ, अभी तेरे को बताता हूँ, पब्लिक को भी दिखाता हूँ इसकी असली लाइफ का शुरुआत हुआ कहाँ से। ये देखो, एक और चीज बताना चाहता हूँ मैं, एक बहुत ही फन ऐप है म्यूजिकली, जिसकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हो पाई है, तो प्लीज उसको भी डाउनलोड करो यार, और मेरे जो गाने हैं उसके अंदर रिक्रिएट करो। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे कि मैं ये म्यूजिकली जो एक ऐप है, म्यूजिकली टिकटॉक का, ये मालूम है ना आप लोग को,
उसकी वजह से ये मेरी चैनल और जो भी इसका है इसका नाम हो पाया। इन लोगों को क्या ही बोलूं, बोला आप खुद ही देखो। जरूर उठा सकता है कि मैंने मेरी खुद की वीडियो म्यूजिकली से स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, जो अब टिकटॉक से पहले उसका नाम था म्यूजिकली। तो मेरी यो यो बनता है रैपर, अगर तुम वीडियो देखोगे दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय म्यूजिकली। बट उस वक्त मैं ये कहूंगा कि कोई ब्रांड रेडी नहीं था उस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो आइडिया ही बहुत बिजार था, बहनचोद किसी को लंड समझ नहीं आया, बट अकेला ब्रांड था तब म्यूजिकली जिसने उसको सपोर्ट दिया, तो उसके लिए ऑलवेज आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल। लेकिन उसके बाद जब आगे चल के जो जो इनके साथ चीजें हुई हैं, जैसे बदला है प्लेटफॉर्म, उसका भाई उसके जिम्मेदार हम नहीं है, ठीक है। तो एक पॉइंट वो जरूर बोल सकता है, मेरे को लग रहा है, अगर नहीं भी है तो भाई तेरे को मैंने अब दे दिया, तू अब बोल के देख ले अगर कुछ हो सकता है तो, बट ठीक है, इट्स ओके। केरेमिनाटी ने जो रोस्ट किया था आमिर सिद्दीकी का, और वो वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो चुकी है कि लोगों को अब हजम नहीं हो रही है, खासकर टिकटॉकर्स को। तो अभी जन्नत जुबैर ने भी अपना रिएक्शन दिया है। ये सब वैसे तो ये सारी चीजें आनी ही नहीं चाहिए, देखा जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। वो टिकटॉक पर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप यूट्यूब पर कर रहे हैं, तो क्रिएटर्स ही जहां आपको कोलैबोरेट करके यू नो यू शुड मेक इट इवन बिगर। पीपल आर योर अब्यूजिंग एंड यू नो दूसरे लोगों को नीचा दिखा रहे हैं और ये सब चीजें इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यूथ में, आई थिंक इट्स वेरी बैड एंड यू नो दे शुड एक्चुअली पुट अ स्टॉप ऑन दिस। व्हाई आर दे क्रिएटिंग हेट यू नो, और स्पेशली इस टाइम पे जहाँ पे आपको इस तरह के वीडियोस बनाने चाहिए कि हम इंडियंस हैं, इस टाइम पर ऐसी टफ सिचुएशन है, हमें एक साथ होना चाहिए, एक साथ कुछ आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करें जिससे यू नो पब्लिक को फायदा हो, ऐसे इश्यूज ना क्रिएट करके कुछ बेटर कंटेंट क्रिएट करने की जगह आप ऐसे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि यूथ के दिमाग में पता नहीं आप क्या डालना चाह रहे हैं। इतना अब्यूसिव लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं जिसको देखकर लोग कमेंट भी अब्यूसिव लैंग्वेज में कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट समथिंग, आई थिंक दिस इज नॉट अ गुड साइन ऑफ अ गुड इन्फ्लुएंसर और अ गुड कंटेंट क्रिएटर। तो बस यार आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और वीडियो अगर यहाँ तक देख ही लिए हो तो लाइक करके जाना, और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देना, जल्दी से 20K सब्सक्राइबर सपोर्ट करो तो पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी। मुझे पता है तुम लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, लेकिन प्लीज यार सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, कम ऑन मैन डू इट। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, जय हिंद जय भारत।